my gut. When you see me, you better run. तो है गाइस, वन सेकंड, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये बहुत देर से मुझे परेशान कर रहा है। एक्चुअली बारिश की वजह से मैं ज़्यादा तेज चला नहीं रहा है, बट स्टिल ही ट्राइंग टू रेस विथ मी। दिस इज़ द एफजेड वर्जन 3.0 और भाई पूरा मस्त एयरफोन लगा के उड़ाया जा रहा है। ये देखो ऑटो वाले कैसे रॉन्ग साइड में इतने चला रहे भाई। यहाँ रोड कम, पेट्रोल ज़्यादा दिख रहे हैं हाईवे पे। भाई आराम से चला रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि भूल गया चलाना। एक्चुअली बारिश में ना किसी गाड़ी के पीछे रह के चेस करने का बिल्कुल मन नहीं करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीचड़ आता है पीछे से। और ये हाईवे पे शायद ट्रैफिक है आज, बस ना हो तो ज़्यादा बेटर है। इतने ज़्यादा छींटे उड़ रहे थे कीचड़ के। सो राइट नाउ आई एम नियर KTM अनिशाबाद, अपने लेफ्ट साइड में। आई एम गेटिंग अ कॉल। गाइज, आजकल मुझे बहुत ज़्यादा ही रैंडम नंबर से कॉल आ रहे हैं, क्योंकि जो मैंने फ्लाइट रेस्टोरेंट वाली वीडियो डाली थी उसमें मेरी नंबर पता नहीं कैसे दिख गई। तो प्लीज़ आप लोग परेशान मत करो कॉल करके, मैसेज करके। आई नो आप सबको लगता है कि ईजिली बात हो जाएगी, अच्छी है, तो मैं इंस्टाग्राम पे मोस्टली सबका रिप्लाई देता हूँ। अभी भी बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझसे बात कर सकते हो आराम से। बट कॉल करके भाई रात के 12 बजे कॉल करते हो यार, थोड़ा सा ये सब चीज़ मत करो प्लीज़। मैं भी एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि रैंडम नंबर से पता नहीं किसका कॉल आता है, कब आता है। बहुत सारे कॉल्स आते हैं तो पिक करना बनता ही है। क्या पता मेरे ही किसी फैमिली मेम्बर या किसी का हो कॉल, या किसी फ्रेंड का रैंडम नंबर से। तो ऐसा नहीं है कि रैंडम नंबर से कॉल आए तो मैं इग्नोर कर दूं, इस वजह से पता चलता नहीं है। बहुत लोग तो बस कॉल करके बोलते हैं, बस एक बार स्ट्रीट बर्नर बोल के फिर कट कर देते। तो ये सब प्लीज़ मत करो यार। आई नो आप लोग को लगता होगा कि अच्छा कॉल करो एंड ऑल, बट सामने वाला कितना परेशान हो जाता है इस चीज़ से। भाई ऐसे वेदर में ना एक तो पहले डर रहा था कि कहीं माइक अडेप्टर ख़राब ना हो जाए, और दूसरी चीज़ ये जो गाड़ी के छींटे पड़ते ना, इस वजह से मन ही नहीं करता बिल्कुल राइड करने का। थैंक गॉड अभी आगे का हाईवे क्लियर है। आज मैं 100 के ऊपर नहीं ले जाऊंगा बाइक को, ये अभी से ही बोल दिया। देखता हूँ मैं अपने बात पर रहता हूँ या नहीं।
कोशिश तो पूरी करूँगा कि ना ले जाऊँ। इधर के रोड सूखे हैं, अच्छे हैं इतने ज़्यादा भाई साहब, अभी मतलब कीचड़ पड़ रहे थे, बता नहीं सकता हूँ। और ये ट्रक और गाड़ी वाली के पीछे बिल्कुल मत रहो बारिश के वक्त भाई साहब। ये क्या लगता है, मैंने ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी कि ट्रैफिक नहीं है। तो अभी आप लोगों को इस ट्रक को देख के समझ में आ रहा होगा कि बारिश कितना ज़्यादा हो रहा है डेली। ये पूरा वाटर प्रूफ कर रखा है इन्होंने, जो भी सामान है, कि भीग ना जाए, बारिश से ख़राब ना हो जाए। और अच्छी बात है यार, हम लोग भी थोड़ा घर पे रहो, सेफ रहो, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। और मतलब वेदर डिपार्टमेंट से वार्निंग भी आ रखी है कि 3 दिन कंटिन्यूसली बारिश होगी, तो माइट भी 3 दिन ब्लॉग नहीं आ पाए, देखते हैं। अगर बारिश हुई तो इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक। सो गाइस, तो आज के वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल पे, और इंस्टाग्राम पे जल्दी से जाकर फॉलो कर दो। हमने अभी 5K क्रॉस कर रखा है इंस्टाग्राम पे, जल्दी से उसे 10K करो। फिर मुझे जल्दी से स्वाइप अप वाला फीचर ऑन करना है इंस्टाग्राम पे, तो प्लीज़ गाइस डू सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।